नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल और दलिया की खिचड़ी, जिसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी मूंग दाल, एक कटोरी दलिया, एक चम्मच जीरा और एक चौथाई चम्मच हींग, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक कटोरी देसी घी, स्वाद अनुसार नमक, दो मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, दो सूखी लाल मिर्च। इसको बनाने के लिए मैंने एक कुकर में दो बड़े चम्मच देसी घी डाल दिए हैं। देसी घी को गर्म होने देते हैं। देसी घी गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा भुनने तक इसको वेट करते हैं और फिर उसके बाद डालते हैं हींग। अब ये हींग हमारा डालने के बाद इसमें डालते हैं साथ में सूखी लाल मिर्च। अब इसके बाद इसमें डालेंगे साथ ही प्याज। प्याज को दोस्तों ज़्यादा हमें भुनना नहीं है, बस हल्का सा इसका मॉइस्चर निकलने तक ऐसे भुनना है इस तरह से। अब इसमें डाल देंगे हम दलिया। दलिया को भी दोस्तों प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। और दलिया को मैं इसलिए भून रही हूँ क्योंकि मैंने इसको भिगो के नहीं रखा था, और इसको भुनने से इसका कच्चापन निकल जाएगा और इसकी स्मेल भी निकल जाएगी। और इसको भी ज़्यादा मुझे नहीं भुनना, बस इस तरह से भुनना है बस। अब इसके बाद इसमें मैं डालूँगी दाल। दाल को भी मैंने भिगो के नहीं रखा था, अब दाल को मैंने तुरंत अभी धो लिया है और धो के मैंने अब इसमें मैं मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है, दाल और दलिया को दोनों को मैं 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। अब ये जैसे भून लिया है, अब भूनने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए ऐसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद डालेंगे इसमें पानी। पानी दोस्तों इसमें डालना है, मुझे डालनी है इसमें 6 कटोरी, क्योंकि मैंने 1 कटोरी दलिया और 1 कटोरी मूंग की दाल ली थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें डाल रही हूँ 6 कटोरी पानी। और पानी डालने के बाद अच्छे तरह से मिक्स करके इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल के मिक्स करो और उसके बाद दोस्तों इसको लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगने के बाद मैं इसको तेज़ आँच में 2 सीटी आने तक पकने दूँगी। फिर 2 सीटी के बाद में इसको बिल्कुल स्लो आँच में मैं इसे 10 मिनट के लिए पकने दूँगी। अब मेरी ये पहली सीटी आ चुकी है और ये मेरी 2री सीटी आ चुकी है। अब ये 10 मिनट बाद अपने आप ठंडा होने दूंगी और फिर इसको मैं खोल के दिखाऊंगी आपको। देखिए दोस्तों, ये मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो गई। आप इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी और पानी में गरम डालूंगी। 2 कटोरी मैंने पानी डाली है, क्योंकि इसमें हमेशा गर्म ही पानी डालना चाहिए। ठंडे पानी डालने से क्या होता है कि दाल अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है, और इसलिए हमेशा गर्म ही पानी डालिए। और पानी डालने के बाद मैं इसको 1 उबाल आने तक पकने देती हूँ इस तरह से। देखिए, ये मेरी खिचड़ी पक के तैयार हो चुकी है। आप इसमें तड़के की लगाने की तैयारी करते हैं। मैंने इसके लिए एक पैन लिया है। पैन में मैंने चावल डाला है 1 चम्मच देसी घी, और देसी घी मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे बचे हुए जीरा, और जीरा डालने के बाद इसमें मेरी 1 सूखी मिर्च मैंने बचा ली थी, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे, और मैंने इसको इसमें डाल दिया है। और साथ ही में डालेंगे इसमें हींग। हींग डालने के बाद दोस्तों इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो अगर ये जल जाएगा। जलने के बाद अगर ये जल जाएंगे तो इसमें ज़्यादा इसकी स्मेल ही ख़त्म हो जाएगी, इसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। अब इसको तड़के को इसमें डाल देते हैं खिचड़ी में। फिर मिक्स करने के बाद दोस्तों मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये मैंने खिचड़ी सर्व कर ली है देसी घी और दही के साथ। और आप भी दोस्तों इसे बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं अब मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।